एनडीटीवी में अडानी ग्रुप की एंट्री के बाद से एनडीटीवी में अब इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले एनडीटीवी के चेयरपर्सन प्रणव रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था और अब वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने 30 नवंबर को अपना इस्तीफा दे दिया है। रवीश कुमार को लेकर अब चर्चा है कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर तहलका मचाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों ने इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर चुटकी लेनी शुरू कर दी है। तो आइए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में किसने क्या कहा है। रवीश के इस्तीफे के बाद कुछ यूं आया रिएक्शन। गीतकार मनोज मुंतशिर ने ट्विटर पर रवीश कुमार के इस्तीफे और काम को लेकर लिखा है, चैनल छूटा है चाल चलन नहीं, अब भाई साहब यूट्यूब पर उत्पाद मचाएंगे। मनोज के ट्वीट पर तमाम लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने रवीश को सबसे ताकतवर पत्रकार बताया है, तो वहीं एक श्याम नाम के यूजर ने लिखा है, अरे शुक्ला ये बताओ पत्रकारिता से क्यों चिढ़े तुम लोगों को, पत्रकार का धर्म है सरकार से सवाल करना। मणिकांत नाम के एक दूसरे यूजर ने लिखा है, दिन भर राष्ट्रभक्ति का ज्ञान देने वाले शुक्ला जी को रवीश कुमार की स्वतंत्र पत्रकारिता से नफरत हो गई है, राष्ट्र को गुलामी की तरफ ले जाती मीडिया इनके लिए भगवान बन गई है, तो ये मानकर चलें कि दिन भर हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान करना ही देशभक्ति है और जीडीपी पर बात करना मूर्खता। अशोक पंडित ने कसा रवीश कुमार पर तंज। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने बरखा दत्त के फुटपाथ पर बैठकर पत्रकारिता करते हुए तस्वीर शेयर कर रवीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, सामने वाले फुटपाथ पर अब रवीश कुमार जी को बैठा हुआ पाएंगे। इस पर एक यूजर ने लिखा है, कम से कम वो देश की सही स्थिति को बता पाएंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने रवीश कुमार के ऊपर बने मीम को शेयर करते हुए लिखा है, प्राइम टाइम टेलीविजन पत्रकारिता की प्यार भरी याद में। क्यारके ने की रवीश कुमार की तारीफ। अपने फिल्म रिव्यू को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले क्यारके ने रवीश कुमार को सबसे अच्छा जर्नलिस्ट बताया है। उन्होंने लिखा है, मैंने भारत में 1990 से 2014 तक न्यूज चैनल का सबसे अच्छा समय देखा है। एनडीटीवी आखिरी चैनल था और रवीश कुमार आखिरी पत्रकार थे, लेकिन लोग अब भी कुछ विदेशी चैनल देख सकते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं रवीश। बता दें कि रवीश कुमार एनडीटीवी पर प्राइम टाइम का शो करते थे जो कि काफी फेमस था। इस शो के माध्यम से वो सीधा सत्ता से सवाल करते थे, तो वहीं बेरोजगारी शिक्षा और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे भी उठाते रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने वर्ष 2016 में उन्हें 100 सबसे प्रतिभाशाली भारतीयों की लिस्ट में शामिल किया था। यही नहीं, पत्रकारिता जगत में अपने योगदान के लिए रवीश कुमार साल 2019 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा उन्हें 2 बार रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये थी रवीश कुमार से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।